कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया। गजोदर भैया के नाम से मशहूर कॉमेडियन के निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दे रहा है। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो अपने आखिरी समय तक वेंटिलेटर पर रहे। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने आज यानी कि 21 सितंबर को आखिरी सांस ली। राजू पिछले काफ़ी समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनकी नेटवर्थ क्या थी। 25 दिसंबर 1963 को मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे राजू श्रीवास्तव ने स्टेज शो से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो टीवी और बड़े पर्दे पर दिखाई दिए, लेकिन उन्हें पहचान उनके गजोदर भैया के किरदार से मिली। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की बेहतरीन मिमिक्री करने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने स्टेज शो के लिए विदेश भी जाया करते थे। शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव को स्टेज शो के लिए 50 रुपये मिला करते थे। वहीं सफलता मिलने के बाद एक शो के 5 से 10 लाख रुपये चार्ज करने लगे। बचपन से ही राजू को मिमिक्री करने का बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसे में वो मुंबई नगरी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते थे। वहीं कुछ समय बाद उन्हें काम मिलना शुरू हुआ और वो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने लगे। साल 1993 में उन्होंने शिखा श्रीवास्तव से शादी की। दोनों की एक बेटी और एक बेटा है। राजू श्रीवास्तव, मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, बिग ब्रदर, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजू श्रीवास्तव के पास इनोवा, BMW जैसी महंगी कारें हैं। वहीं कानपुर में उनका एक शानदार घर भी है। इसके अलावा अपने स्टेज शो के लिए 4 से 5 लाख रुपए की फीस लिया करते थे। राजू श्रीवास्तव विज्ञापन से भी काफ़ी कमाई करते थे। राजू करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक, जिसे वो अब अपने परिवार के लिए छोड़ गए हैं। कहा जाता है इन सब के बीच में राजू श्रीवास्तव एक दिलदार इंसान थे। उनके एक सहयोगी एहसान कुरैशी ने बताया कि जब एहसान कुरैशी अपने लिए घर खरीद रहे थे तो 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी उन्हें, लेकिन जब उन्होंने राजू श्रीवास्तव से इस बारे में जिक्र की तो राजू श्रीवास्तव ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की थी। हालांकि उसके बाद जब एहसान कुरैशी ने अपने गृह प्रवेश में उन्हें बुलाया तो उन्होंने राजू श्रीवास्तव से कहा कि इस घर की ईंटों में आपका भी नाम लिखा है। हालांकि एहसान कुरैशी ने कहा कि वो पैसे राजू श्रीवास्तव को उन्होंने वापस कर दिए थे, लेकिन बुरे वक्त में किया हुआ मदद हमेशा याद रहता है। राजू श्रीवास्तव के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BTF न्यूज़।